Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, Corporate Trainer Engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. Engineers, आज हमारा surveying का fourth day है और fourth day पे हमारे जो trainees हैं उन्होंने आज perform किया profile leveling. इससे पहले वो surveying का basic जान चुके हैं on the very first day. उसके बाद उन्होंने HI method से level transfer करना और RL find out करना सीखा था. उसके बाद उन्होंने कंटूरिंग किया था विद द हेल्प ऑफ राइज और फॉल मेथड. आज फोर्थ डे पे ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं कौन सा, प्रोफाइल लेवलिंग. तो प्रोफाइल लेवलिंग के बारे में आपको जनरल सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि प्रोफाइल लेवलिंग से आप क्या समझते हैं और प्रोफाइल लेवलिंग क्यों की जाती है और कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है. इंजीनियर्स, प्रोफाइल लेवलिंग में भी आप RL ही फाइंड आउट करते हो. प्रोफाइल लेवलिंग वहाँ की जाती है उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए की जाती है जहाँ का एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी रोड हो गई, कलवर्ट हो गया, ड्रेन लाइन हो गया, जिसमें एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा है. तो उसी बेसिस पे वहाँ की अंडुलेशन कितनी आ रही, कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है और एक्चुअल में वहाँ की प्रोफाइल कैसी बन रही है. ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा अंडुलेशन होगा तो आपको वहाँ या तो कटिंग करनी होगी या तो फिलिंग करनी होगी. कैसे पता चलेगा, जब आप मल्टीपल वहाँ क्या लेंगे, RL लेंगे, रिड्यूस लेवल लेंगे. सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रोड का. जहाँ भी रोड आपकी कंस्ट्रक्ट हो रही है उससे पहले उसका प्रोफाइल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ कितनी ज़्यादा सैंड की रिक्वायरमेंट होगी या कोई भी आप बेस मटेरियल वहाँ डालो. हो सकता है मुरूम हो सकता है सब ग्रेड हो, कितना भी डलो, कितनी क्वांटिटी में डलवाओगे, वो आपको पता होना चाहिए. वो कैसे पता चलेगा, प्रोफाइल लेवलिंग से पता चलेगा. और प्रोफाइल लेवलिंग का एक अल्टरनेटिव नेम भी है, वो लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग. इंजीनियर्स, लॉन्गिट्यूडनल से मतलब है जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के डायमेंशन को आपको मेजर करना है. इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग. तो इंजीनियर्स, इसी को हम जानेंगे. अब थोड़ा सा बेसिक सा जान लेते हैं. जैसे आप देख सकते हो, ये इंजीनियर से आउटपुट निकाला है प्रोफाइल लेवलिंग के बेसिस पे. ये उन्होंने कैसे निकाला है और कैसे परफॉर्म किया है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. उसके बाद इंजीनियर्स के पास चलते हैं, उन्होंने एक्चुअल में कैसे परफॉर्म किया और आगे भी इन फ्यूचर इफ़ दे फेस एनी काइंड ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट प्रोफाइल लेवलिंग और नॉट. इंजीनियर, सबसे बेसिक सा है, सबसे पहले आपको ऑटो लेवल तो सेट करना ही है. अगर RL किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना है तो आपकी मशीन जब तक सेट आउट नहीं होगी तब तक आप RL फाइंड आउट नहीं कर सकते. सबसे पहले आप आपका जहाँ भी आपका, जैसे सपोज सर मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देख सकते हो ये जो बेड है, सर ये दिखाइए एक बार, ये जो आपका लेवलिंग बेड है हमने इसी का आज प्रोफाइल लेवलिंग इंजीनियर्स के साथ करवाया है. अब इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ कैसे ही एक्चुअल में परफॉर्म हुआ होगा. सबसे पहले आपको बैक साइड की एक रीडिंग लेनी है. वो बैक साइड की रीडिंग से ही आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मेशन लेवल का एक्चुअल में RL कितना है. ये एक बार आपको पता चल गया. उसके बाद आपको पता है कि रोड की कुछ ना कुछ विड्थ होने वाली है. जब रोड की कुछ ना कुछ विड्थ होने वाली है तो एक रीडिंग से वहाँ काम नहीं चलेगा, तो आपको मल्टीपल रीडिंग लेनी होगी. मल्टीपल रीडिंग को भी आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा. फर्स्ट वन इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड वन इज़ योर मिड लाइन एंड थर्ड वन इज़ योर राइट हैंड साइड. इन तीन रीडिंग का जब आप एवरेज लोगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ का पर्टिकुलर RL का बेस प्लस एवरेज कितना आ रहा है. ये इंजीनियर्स जनरल सा बेसिक्स है आपको प्रोफाइल लेवलिंग और लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग को परफॉर्म करने का. इसी बेसिस पे हम मल्टीपल रीडिंग लेते जाएंगे. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ मल्टीपल रीडिंग ले रखी है और इंजीनियर्स यहाँ का जो गैप है, जैसे तीन रीडिंग आपने लेफ्ट राइट एंड सेंटर ली, अगली जो तीन रीडिंग आप लेफ्ट राइट और सेंटर लेने हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होने वाला है. ये गैप जो आपको दिख रहा है प्रोफाइल का, ये गैप डिपेंड करेगा कि आपके पर्टिकुलर फॉर्मेशन लेवल में कितने ज़्यादा अंडुलेशन है. अगर नंबर ऑफ अंडुलेशन ज़्यादा है तो उस केस में ये जो गैप है आपको कम से कम रखना होगा. और यही अंडुलेशन अगर कम हुए तो उस केस में आपको गैप थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब अंडुलेशन ही नहीं है तो मल्टीपल रीडिंग लेके अपन क्या करेंगे. तो जहाँ अंडुलेशन ज़्यादा होंगे वहाँ ये आपका जो हॉरिजॉन्टल गैप है वो कम रखना होगा. जहाँ अंडुलेशन कम होंगे वो हॉरिजॉन्टल लेवल आप बढ़ा भी सकते हो, गैप बढ़ा भी सकते हो. आई होप ये आपको पर्टिकुलर सिनारियो ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग, दैट हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोफाइल लेवलिंग एट पर्टिकुलर ग्राउंड समझ में आया होगा. अब चलिए इंजीनियर्स के पास ही चलते हैं कि उन्होंने कैसे ये परफॉर्म किया और एक्चुअल में वो समझ पाए कि नहीं पाए कि प्रोफाइल लेवलिंग और लॉन्गिट्यूड लेवलिंग से आप क्या समझ पा रहे हैं और कैसे परफॉर्म कर पाएंगे इन फ्यूचर इफ दे गेट द अपॉर्चुनिटी. तो चलिए इंजीनियर्स के पास ही चलते हैं. तो जैसा कि इंजीनियर अमन, ये आप ही की नोटबुक है, मैंने आप ही की नोटबुक से लिया था. तो व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, ये इंजीनियर अमन है. अमन ने आज पूरा ही परफॉर्म किया विद देयर कलीग्स. तो इंजीनियर्स अमन से जानते हैं कि अमन आज क्या समझ पाए प्रोफाइल लेवलिंग से और इन फ्यूचर अगर उनको प्रोफाइल लेवलिंग करने को मिलता है तो कैसे वो परफॉर्म कर पाएंगे. तो अमन, स्टेप बाय स्टेप क्या, सबसे पहले क्या बेसिक होना चाहिए उसके बेसिस पे आप बताओ कि कैसे क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए. ठीक है सर, थोड़ा सा बात आ जाइए. बेसिक्स के लिए तो आपको बताइए, हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं
सबसे पहले हमने ट्राईपोर्ट और लेवलिंग स्टाफ और ऑटो लेवल लेना है। ये अगर सेट नहीं होगा तो रीडिंग भी नहीं है। हमने ट्राईपोर्ट सेट कर लेंगे, जैसे 40-60% काम तो वैसे ही हो जाएगा अपना। ऑटो लेवल सेट करेंगे, ऑटो लेवल मैं एक दो मिनट फिर बता देता हूँ आपको, एक दो मिनट में। सबसे पहले बॉटम प्लेट होती है, उसको है ना हम नीचे स्क्रू से है ना फिक्स कर लेंगे। फिर अपने पास ये है टेलीस्कोप है, इसकी मदद इसको है ना लेवलिंग स्क्रू है ना उसके पैरेलल रख लेंगे। पैरेलल कोई भी दो स्क्रू ना, हाँ दो स्क्रू के पैरेलल रख के फिर यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया था नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड के इधर ईस्ट और वेस्ट इनको है ना 90 डिग्री पे लाने के लिए, तो इनवर्ट घुमाएंगे या आउटवर्ट घुमाएंगे। फिर ये 90 पे आ जाएगा बबल, फिर इसको है ना आगे वाला जो स्क्रू है उसकी मदद से मिड में लेके आ जाएंगे, जिससे ये है ना सर्कुलर मिड में आ जाएगा बबल। एक बार ये सेंटर हो जाएगा और लेवल हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। ओके, अब प्रोफाइल लेवलिंग की बात करूँ तो वो कैसे स्टार्ट करूँ? लेवलिंग मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल लेवलिंग वो होती है, इसे है ना लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग वो होती है जिसके है ना दो, एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से बड़ा हो। जैसे कि हमें जैसे रोड हो गई, कलवर्ट हो गया, केनाल हो गया, उसकी लेवलिंग के लिए हमने ना प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं। सबसे पहले हमने ना पहली रीडिंग ली जिसे हम बैक साइड बोलते हैं, फिर है ना आगे आगे वाली रीडिंग लेने के लिए जैसे हमने ना रोड की लेवल प्रोफाइल लेवलिंग करनी है। रोड की कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी जिसपे हमें ना मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे। मल्टीपल रीडिंग्स में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड रीडिंग दिखाई एक बार पास, मिड रीडिंग और है ना राइट हैंड साइड रीडिंग सब। फिर इनका तीनों का एवरेज लिख के हम है ना इंटरमीडिएट साइड रीडिंग में लिख देंगे। अच्छा, वो आपने टेबल में इंटरमीडिएट साइड अलग से लिख रखा है इससे ना? ओके ओके। फिर है ना जैसे आगे वाली 4 मीटर हमने इनका वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो है ना 4 मीटर ले लिया है। अगर अंडुलेशन ज़्यादा होंगे ना तो हमने इसको है ना डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, जब 1 मीटर करना पड़ेगा उसके हिसाब से हमें ना कटिंग और फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर अंडुलेशन ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम कर देंगे। और अगर अमन ये अंडुलेशन कम होंगे तो उस केस में गैप बढ़ा सकता हूँ ना? हाँ, आप गैप बढ़ा सकते हो, 2-3 मीटर ले सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आपके अंडुलेशन नंबर ऑफ अंडुलेशन कितने हो, कैसी प्रोफाइल आपको चाहिए। ओके, उसके बाद? उसके बाद में है ना फिर है ना स्टेशन ए, इसको स्टेशन ए नाम दे देंगे। अगर आपको विजिबिलिटी कम हो रही है तो स्टेशन चेंज करना पड़ेगा आपको। जो आपकी लास्ट रीडिंग आई वो आपकी FS हो जाएगी। फिर वहाँ पर स्टेशन बी को सेटअप करेंगे, जो आपकी लास्ट रीडिंग है वही आपकी BS होगी वहाँ पर। फिर आगे आपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो लास्ट रीडिंग है उसकी पोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी पोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर आगे जो अपना स्टेशन बी होगा उसकी है ना वो बैक साइड हो जाएगी, बैक साइड रीडिंग। बाद में तो फिर सिंपल सा है, आप मल्टीपल रीडिंग लेके जाओ, कैलकुलेशन आपको करनी है एंड में प्रोफाइल बन राइज एंड फॉल निकालो, उस हिसाब से कटिंग एंड फीलिंग हो जाएगी अपनी। ओके अमन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सो इंजीनियर साहब ने देखा कि कैसे इंजीनियर अमन ने एक्चुअल में आपको बताया कि प्रोफाइल लेवलिंग उन्होंने आज कैसे एग्जीक्यूट की है। आई होप कि अमन के द्वारा और मेरे द्वारा जो बताया गया जो नॉलेज है इस क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू, एंड आई होप कि अगर आपको भी इन फ्यूचर अगर प्रोफाइल लेवलिंग करने को मिलता है तो आप भी इजीली एग्जीक्यूट करवा पाओ। बहुत सा सिंपल सा मेथड है, आप अगर वीडियो को रिवाइंड करके भी देखें तो यू विल गेट द फुल नॉलेज। आई होप इंजीनियर्स यू लव द कंटेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डाउन, एंड इफ़ यू वॉन्ट अस टू मेक न्यू वीडियोज़ ऑन न्यू कंटेंट देन यू कैन टेल अस इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। टिल देन इंजीनियर्स बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।